विकास से विजय की ओर चलने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने जिस रैली को ऐतिहासिक बनाने की ठानी थी, उस रैली की कुर्सियां खाली रह गई। रैली की शुरुआत से लेकर अंत तक पंडाल के पिछले हिस्से की कुर्सियां बैठने वालों का इंतजार ही करती रह गई। सरकार और कांग्रेसी नेताओं ने दावे किए थे कि रैली ऐतिहासिक होगी और वे गलत आंकड़े जारी नहीं करेंगे, जो भी होगा सभी के समक्ष होगा। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने तो बिलासपुर में हुई प्रधानमंत्री की रैली से 4 गुना अधिक भीड़ उमड़ने का दम भी भरा था, लेकिन जब रैली हुई तो इन सब बातों की हवा निकल गई। रैली का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया था। 10 बजे तक बनाए गए पंडाल का 1/4 हिस्सा भी नहीं भर पाया था। यहां तक कि सीएम वीरभद्र सिंह भी 11 बजे तक रैली स्थल पर पहुंच गए थे और उनके सामने भी खाली कुर्सियां उन्हें चिढ़ा रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल गांधी के आने तक अधिकतर खाली कुर्सियां भर चुकी थी, लेकिन अभी भी पंडाल का पीछे वाला एक हिस्सा खाली कुर्सियों से भरा पड़ा था। हालांकि अधिकतर लोग मैदान की सीढ़ियों पर भी बैठे थे, लेकिन जहां कुर्सियां थी वहां लोग बड़े आराम से बैठे हुए नजर आए, क्योंकि कुर्सियों को लेकर कोई मारामारी नहीं थी। कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से भीड़ उमड़ने का जो दावा किया गया था वह सही साबित नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, केशरण।